ना रहता है। इसका मैं कर रहे और गाना गा नाम पे गीत गा के अपना मैं खास करूंगा कि वडोदरा मणिदुर्गा प्रयास में प्रयाण होगा वहां पे बात करेंगे। इसका खास करेंगे हम लोग तो मेरे जैसा मैं सुबह उठ गए दिन मालूम था कि ला अगले दिन दीपावली है तो पहले उठ गए हो कृष्णा हो जाए तो काम नहीं होगा। तो इसलिए बहुत कुछ सीखा इसका अंदर है शॉर्टकट में पूरा सॉल्व होगा पूरा सॉल्व पुलिस पूरा 20 मिनट 20 मिनट तीन बजे 3-10 करोड़ रुपये। तो पहले क्या है जो सुविधा में सीखे हम लोग कि समय अनुवर्तक क्या होता है समय अनुवर्तक पंक्चुअलिटी और डिवोटी। डिवोटी जब कुछ दिन होने के बाद भक्ति में आने के बाद तो हमारा डिवोटी मीन्स पंक्चुअलिटी समय अनुवर्तक वो थी हमको बिना देरी से सुबह इसलिए मक्खन बनाना है सुबह उठिए हो समय अनुवर्ती था पंचुअल होना चाहिए टाइम पे प्रातः टाइम पे आरती टाइम पे दक्षिणा टाइम पे पूजा टाइम पे सारा टाइम पे। और सुबह हो गया हिल जा रहे दोबारा दर्शन में बैठ गए हिल जा रहे हैं सब्जी क्लास शुरू कर दिया हिल जा रहे हैं वो ठीक नहीं समय अनुवर्तिता है। इतना में सीखो इतना मई सदा मई और कोई सदा मई कृष्ण का माँ है। जब वो पंचवर्ण का हो सकते हैं हम कौन सा खेती करेंगे हम कौन है तो सदा नहीं हम नंद महाराज नहीं। जब इतना भक्त तो कुछ करता है तो हम पूरे टाइम से ठीक है। फिर कृष्णा वो देख रहे माँ नहीं है तो भगवान कृष्णा अपना पेड़ से उठ के तो कृष्णा भी उनको चाहिए बहुत बड़ा संग सदा भाई वो गुरु के भजन करते मन पे पड़ा वो बोल रही थी मेरा भक्त किधर जा रहा है किधर जा रहा है भजन घूम के वहां पहुंच गए। तो हमको सदा भाई से और भी सेवा सीखना है हमको कृष्ण को करना चाहिए आप बोलिए ऐसा कौन सा पास टाइम है कौन सा लीला है जहाँ कृष्ण भक्तों को देखने के लिए आ गए दोपहर ऐसा जो भगवान कृष्ण बहुत खुश आ गए अपना भक्तों को मिलने के लिए ऐसा सेवा करते थे वो कि भगवान कृष्ण आ गए वहां देखने के लिए भक्त क्या सेवा करता। हाँ बोले हाँ हमारा विष्णु भगवान ना क्या नाम था कुंडलिंग कुंडलिंग का ऐसा सेवा किया पिता माता का कोई जरूर नहीं कि खाली शिक्षा में करना क्या मतलब उसके भगवान ऐसा सेवा कर रहा था कि भगवान ने द्वारा का सेवा बचाया वहां पे सही सदा मई ऐसा गुनगुना के सेवा कर रहे हैं कि कृष्ण मेरा भक्त किधर जा रहा है किधर जा रहा है किधर जा रहा है और क्या सीखना है सुना में इसे होटल पानी कर सेवा कर रहे हैं सेवा हम ही कर रहे हैं इसलिए हम ही कर रहे हैं उस टाइम फालतू का डिस्कशन वो भी नहीं करना है बहुत कुछ सीखा सुना में पूरा बोलने का 24 सीखा है
কেবল ঘোষণা হয়েছে, সেবা এসা করনা হ্যাঁ প্রজল পা নেই করনে সেবা করতে সে করতে ভগবান কৃষ্ণ কি আছে কিনা হে ভগবান ভগবান কৃষ্ণ বি ভক্ত কা সঙ্গ বলতে আমকো ভক্ত কা সঙ্গ আছে নি লাগছে বল বল কে ধরা ভক্ত নিজে না গা রে এটা ভজন কর রহা তো উস টাইম পে জাগে পকালিও সুন্দর তো আমি ভগবান কৃষ্ণ বলতে করতে ক্যা হোক মে বাত করতে দূসরা হাট মে ক্যা অসর পড়েগা কাহা কাহা পে পেলা সবই বল রে আর কিছু বল রে জনকো মারো জনকো জনে অসুস্থা বল দূসরা কা বারে মে সোচ না ই তো হইছ না মেরা ব্যবহার সে মেরা বাত সে দূসরা মে ক্যা অসর পড়েগা वो भक्त को जानना ही बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जैसा भाई बोल रहे कि सेल्फलेस सर्विस दूसरा के बारे में सोच पहला द्रौपदी द्रौपदी का पांच लड़के मर गए तो पांच लड़के मर गए हैं मार दिया अश्वत्थामा ने फिर भी द्रौपदी का जी उसको पांच लड़का मार दिया है और वो बोल रहे थे मत मारो मरा हुआ है मेरे को पता नहीं विष्णु का जो पत्नी फिर भी है पूछता गया है उसको पूछो उसके बारे में थोड़ा छोटा बोलते तो मरते हैं उतरने के लिए पांच लड़का मार दिया है पांच लड़का द्रौपदी का द्रौपदी बोल रहे थे जो भारत मेरा हुआ है क्या दीप चेतना है पहला दूसरा तो समुद्र मंथन हुआ सेल्फलेस सर्विस दूसरे के लिए जान देना है दूसरे के लिए जीवन देना है। देखिए शिव जी भगवान ने सब कुछ कर दिया फिर शिव जी अपना भोजन को पी लिया पीस को पी लिया समाज को तो बड़ा वैष्णव दूसरा सोचना संसार के बारे में सोचना सेल्फलेस निस्वार्थ भाव सेवा यज्ञ प्रजापति यज्ञ महाराज बोल रहे हैं ये पानी की मोती को बड़ा चार भाई का प्रश्न का उत्तर दो तुम पानी पीगा जो तो तेरा भी यही हालत होगा निश्चित महाराज अच्छा ठीक है आपका प्रश्न उत्तर में बहुत कुछ हुआ एक बार मैं आपको मेरे को एक लड़का आप बताओ एक भाई चाहिए बताओ किसको मांगा होगा क्यों भाई क्यों मेरा कुंती का एक कोई पूछ रहा तो मेरा माफ
अरे तुम्हारे पास गेम है, तुम्हारा ऑप्शन है, तुम मांगो। नहीं नौकरी को और क्योंकि मेरा कौन सा घूम दिया माता जाए बंदा सोचिए, दूसरा बारे में सोचना, दूसरा सा बारे में सोचना। ये हो गया कौन सेकंड, सुखदेव गोस्वामी जब भागवत बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं बौरा बेटा तो सुन लिया फिर उस लोग प्राप्त अपने चले गए वो, लेकिन वो बोल कि अभी तो हमारा भाग का टाइम नहीं, अभी तो निष्पाप प्रसार करना है, अभी तो बड़ी सी हमारा शादी का मतलब है, फिर मेरा अपना भाग छोड़ निष्पाप पक्ष रहा। तो ईश्वर भाई इससे सेल्फ सर्विस बहुत किया, वो टाइम तो बहुत कम है, कर जो हो गया पदम पर नहीं करना है, सेवा ऐसा करना है हमारे पास निस्वार्थ पर सेवा, सेल्फलेस सर्विस कहाँ कहाँ पे है, कितना डीप हमको करना है प्रभु जी। डीप जैसे भाई और क्या सीखना है, इतना भी परेशान है लेकिन यशोदा मई का वो इतना भी थका पर उपस्थित आ रहा है, खून गिर रहा है, बहुत मोटा पड़ रहे, भाग रहे हैं, डिटरमाइंड। क्यों डिटरमाइंड है, कृष्ण को पाना है, क्यों प्रयोजन बराबर है। हम सर्वसो प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा वदन्ति माम सुद्यो आवृष्ण। ये संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान है, प्रयोजन क्या है, प्रयोजन मत्तिता पतिता प्राण बोधन्ति परस्परम पठन्ति च माम नित्यं पश्यन्ति च अहम्। ये बोल रहा है संबंध प्रयोजन है क्या है, तेषां सततात्मकतानां किंचित है, तो इसलिए उसका प्रयोजन पूरा बहुत क्लियर है, इसका बांधना है इसको, इतना भी थका हो तो आदमी का बहुत जान रहे हैं वो से बोल दिया कल फ्राइडे मारा नहीं होगा, कल फ्राइडे मारा नहीं होगा, इसका मतलब गोल क्लियर है, गोल क्लियर है, इसका गोल क्या है, इतना भी कष्ट आए समाश्रयस्त पदम महत पदम यश महत पदम पुण्य यश मुरारे अबे भवम बुद्धि वश्च पदम परम पदम 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 विपदम तो देखो है समाज के लिए, लेकिन जो समाज है जो तेरा है उन्हें जो आश्रय होगा आश्रय उधर आश्रय है, ये आश्रय तो हमारी भागवत का स्तुति महारानी स्तुति का 1.8.38 पढ़ना, आश्रय क्या होता है उसमें लगता है प्रभुपाद, जब भगवान कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं बुद्धि बुद्धिमान क्या प्रयोग कर रहे हैं, वो आश्रय आप जा रहे अभी पर हालत क्या होगा, अभी वो नहीं बोल रहे कि मेरा पास भीम है अर्जुन है नकुल है सौरभ है तो जी जाऊंगा, वहां पे बोल रहे कि आप जा रहे हैं मतलब हमारा 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 शरीर से आत्मा निकलेगा, आश्रय कृष्ण ऊपर आश्रय मतलब शरीर का ऊपर आत्मा जैसे आश्रय है, बिना आत्मा का शरीर कोई वैल्यू नहीं है। आश्रय बहुत अच्छा लगे बात में तो दूसरा मई पूरा बेटर माइंड है, तीन पांच एक हो गया तो बेटर माइंड है तो कहाँ जाए, तो शंकर मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे हनुमान जी को कुछ हो गया
সংস্থায় মহাত্মা বললেন মহাত্মা গান্ধী তাহলে ভগবান কৃষ্ণ তারপর নমো নমো পরম কল্যাণ মণিদেবী প্রার্থনা ভগবান পরম কল্যাণ শুধু পড়তে জন্ম লে চন্দ্রগ্রহণ হুয়া হ্যাঁ सब हरि बोल रहे लेकिन सब अस्सी इधर से सब डांस सब बात कर रहे कहाँ पे गंगा में स्नान कर रहे सब कि अस्सी मूर्ति थे चंद्र रहने लगा हुआ है चंद्र महापुरुष से जन्म हुए तो क्या हो गया ऑस्पिशियस इन ऑस्पिशियस बिकेट ऑस्पिशियस भाई टॉस ऑफिस द्रौपदी को नमन कर रहे हैं इन ऑस्पिशियस इन ऑस्पिशियस एक औरत को ना करना इन ऑस्पिशियस দ্রৌপদী নম পরম কল্যাণ নম পরম মঙ্গল বাসুদেবায় শান্তায় শান্তায় কৃষ্ণ जो फैमिली में हो गया गृहस्थ हो गया जो भी कृष्ण सेंटर में आ गया मतलब शांता है जैसे सबसे बेस्ट निकल कौन देगा शांता है हाउ मच यू एनमिटी कितना भी सबको होने दो कितना ही बड़ा और मोल पाएगा सबसे बड़ा एनमिटी बिकेम फ्रेंड्स एग्जाम्पल সবচেয়ে বড় এনিমি না এই বড় সবচেয়ে বড় দুশ্মন মিডিয়াম ফ্রেন্ডস হ্যাঁ সবচেয়ে বড় যে শত্রু হতে হয় যে প্রকৃতি মে ও মিডিয়াম ফ্রেন্ডস টাইগার টাইগার ও উসকো কল করে কিসকো टाइगर और जो शेर है और जो मिल रहे वो भी बिना वो खाली मान कर इससे बड़ा तत्व भी संसार में है जिन कृष्ण का तौर तो बोलते हैं नमो परम कल्याण नमो परम अंताय श्रीराम जी को ऐसे तो यहाँ पे तो यहाँ पे देख रहे कि मणिपुर मणिदेव क्या है पेड़ वाले तो कृष्ण कृष्ण वांट टू गो थ्रू पेन टू अंडरस्टैंड अदर्स पेन क्या समझे टू अंडरस्टैंड अदर्स पेन यू हैव टू गो थ्रू दी तो ये बंधन है कि नरकुमार मणिग्री इधर पेड़ बन गए तो बंधन में फंसे हुए हैं तो भगवान ने दामोदर लीला किया वो कुछ बन गए कष्ट क्या है मैं पहले देखी पहले मैं थोड़ा देख लू बंधन में क्या कष्ट होता है इसलिए वो पहले समझ लिया इसलिए वो भगवान कृष्ण पहले बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड दिस सेकंड यहां पे और बहुत बड़ा लेसन था आ
नहीं तो नलकूपर और मणिगिरी नारद नारद मुनि इतना बड़ा महाजन है तो इसे कैसा विचार दिया? तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। मैटेरियल लाइफ में बेगर गिविंग समथिंग थिंग्स इज इंपोर्टेंट। कोई भिखारी इनपुट दे रहा हूं, भिखारी इंपोर्टेंट नहीं, वो क्या दे रहा है इंपोर्टेंट। मैटेरियल लाइफ में आदमी इंपोर्टेंट नहीं है, वो क्या दे रहा है वो महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअल लाइफ में थिंग्स इंपोर्टेंट नहीं, कौन दे रहा है वो इंपोर्टेंट। तो महाराज को तुम झूठा दे रहे हैं, झूठा इंपोर्टेंट नहीं है, महाराज इंपोर्टेंट, कौन दे रहा है, दे कौन रहा है। और भिखारी दे रहा है तो है क्या, तो उल्टा लाइफ में क्या है, थिंग्स इंपोर्टेंट है, पर्सन इंपोर्टेंट नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, पर्सन इंपोर्टेंट है, थिंग्स इंपोर्टेंट नहीं। तो यहाँ पे जो कर्स है वो इंपोर्टेंट नहीं, वो इंपोर्टेंट कौन दिया इंपोर्टेंट, वो हमको ध्यान देना है। भौतिक लाइफ में थिंग्स इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमको बुढ़ा मिल गया, महाराज ने बोलते चेतन महाप्रभु ने अपना बेटी भेज दिया, बेटी भेजा चेतन महाप्रभु राजा को बेटी दे, और महाराज को रुमाल दे दिया, बाप पर रुमाल दे कौन किसका रुमाल है। तो यहाँ पे जो नलकूपर मणिदीप जो अभिशाप दिया, यहाँ पे कौन दे रहा है वो महत्वपूर्ण है, वो देखो नारद को दे रहे हैं। और सेकेंड थिंग क्या है, यहाँ पे लास्ट लेसन है। तो यहाँ पे जो जो जंगल था वो भी फूल उड़ का था, जो पेड़ था वो उड़ का था। तो नलकूपर मणि तो पेड़ सुना था कि कोई कृष्ण आएगा और हमको तोड़ेंगे, हम देवता बन जाएंगे, हम फ्रीज हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इसको बड़ा दूर मान लो क्या है, वो देख रहे हैं और आ दूर है, पर साइड में आ दूर है। हमने सुना है भगवान कृष्ण आए, हमारा पेड़ को तोड़ेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। तो कौन से खड़े जा आ दूर है, वो दोनों देख रहे हैं। ये सारा हो गया, तो सारा हो गया, ये सारा है, दोनों हो गया है। तो सुना है तो नारद मुनि ने कृष्ण आएंगे आपको जो भी बता उनको अवसर मिला है तो वो देख रहे हैं, हाथ में मिला है भगवान कृष्ण, क्योंकि ये जो मिला है हमारा इच्छा से कुछ नहीं होता, सबको उनको अभिशाप मिला है, भगवान कृष्ण उनको अभिशाप लेकिन अपना टाइम से वो देख रहे, कह रहे हैं इधर जाओ है, इधर जाओ जाओ। तो इसमें इसलिए यहाँ से क्या शिक्षा मिलता है, भगवान फुल्ली कंट्रोल सोमृति नृपति भस्मभूतम गुरुवर्धम कृष्ण के बिना, कृष्ण का बिना जीवन कैसा है, कृष्ण का बिना जीवन उसमें घी डालना है भस्म डाल के तुम पैसा निकल जाए, पैसा निकल जाएगा, गोबर डाल देगा, जब गोबर गोबर करेगा और सब बढ़ जाएगा। अरे गोबर से सब निकल जाएगा, क्यों रहा है इसलिए घर में गोबर है। तो वो जीता है भस्म उत्तम कुहु को रथम, तो उसमें
पेड़ होता है। तो कृष्ण का बिना कैसा है वहां पे में, जो अर्जुन ने वापस आया कहां से, क्या हुआ भाई तू इतना क्यों रो रहा है, तूने खाते नहीं किया तेरे खाते बोल रहे, क्या बोल रहे, तो तेरा मुंह ना खाते क्यों बन गया, तो यहां की दृष्टि मार कर बोलते क्या हुआ, क्या हुआ तो मारे जा रहे भाई, और कृष्ण तो कृष्ण बिना हिम्मत क्या है, गो माता वहां पे रो रहा था, रोता है पशु का भी। हाँ हाँ प्रेमा मैं खींच रहा हूँ एक पर ही दे दो ठीक है। प्रेमा बोलो गोमा का रो रहा है, कहा है गोमा का है तब पुरुषोत्तमस्य प्रेमा गोमा का रो रहा है, तो वहां पे कृष्ण का जीवन क्या है गोमा का, और यहाँ पे अर्जुन रो रहा है कृष्ण नहीं। भगवती भक्ति नश्य जाति धर्म और पद भो प्राणस्य मंडन लोक रंजन करना जो है बोलना रहो और विश्वास रखो भगवान जो कहते परम कल्याण परम मंगल, जो भी जितने बढ़ा है विष्णु विष्णु हमेशा रक्षा करते हो, रक्षा करेगी कभी पिता वत्रा पिता करते गुरु, तो कहीं क्या है कोई ईर्ष्या नहीं है कोई दोष नहीं है केवल प्रेम है, प्रेम एक प्रेम है और एक क्या है पिता मेरा भाई का लास्ट भक्ति हमारा हो गई है तो कुछ भक्ति नहीं हो रहा है, तब नहीं हो रहा है कीर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी और एक चांस है कुछ बोल रहे हैं। हाँ सुंदर भक्ति मान रहा हाँ नंदन जी बोल रहे हैं कि आ रहे भक्ति नहीं हो रहा है, सभा नहीं हो रहा है, कीर्तन नहीं हो रहा है, कोई आश्रय कर रहा है उसको भी नंदन जी करो वो भी बराबर हो जाएगा, नंदन भी करने से भी संसार से जन्म मुक्ति पा हो जाएगा, तो कोई बोले बात से बोले तो नहीं कीर्तन नहीं करेंगे खाली नंदन जी करेंगे, जाति के तो हमारा थोड़ी कुछ का कुछ है श्रुति गायंती ग्रंथि स्मृति अंतर नहीं नहीं करेंगे तो नंदन जी करेंगे, नंदन जी हो गए नहीं तो श्रवण नहीं करेगा तो कीर्तन नहीं करेगा तो स्मरण नहीं करेगा नंदन जी होगा ही नहीं, सिर्फ ईर्ष्या ही होगा, तो बहुत कुछ बोलना था लेकिन टाइम नहीं, अब आने का है कोई भी तो आप चल रहा हूँ, तो बहुत आभारी हूँ आप सबका, उसका उसका होता है 7 दिन से मानव फंक्शन है 20 तारीख को धन्यवाद दोस्त रूपा जी आगत महाप्रभा जी बहुत आनंद है उन्नति।